الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق كل ذي علم عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله مولانا अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, मगर अपना तो बन। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। काबिल सद एहतराम हजरात उलमा, बुजुर्गों, अजीज जवानों और घरों में बैठकर सुनने वाली इस्लामी माएं और बहनें,
हक ताला शानहु का बड़ा एहसान और करम है, आज 10 जनवरी ईस्वी 2017 हम यहाँ बलसार शहर का गांचीवाड इलाका दीन की निस्बत से जमा है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, अपनी रजा नसीब फरमाए। सबसे पहले हमारे मौलाना शराफत साहिब, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत फरमाई, शायद मैंने पहली बार सुना और अच्छा हुआ उन्होंने सुनाया तो मुझे मालूम हुआ कि इतने अच्छे कारी भी हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उसके बाद हमारे मौलाना अशरफ साहिब, जिन्होंने इंतहाई दर्द के साथ और यूँ समझें कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को कभी थप्पड़ भी मारती है और दांत दपट भी करती है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और गम ख्वारी करते हुए उन्होंने हमें कुछ पंदो नसाई की। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके नसाई को हमें सामने रखते हुए आइंदा प्रोग्रामों में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। असल में जहाँ तक मुझे याद है, हमारे रांदेर शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत शेख अहमदुल्ला रांदेरी रहमतुल्ला अलैह, नाम तो सुने हैं ना, हजरत अक्सर फरमाया करते थे कि हमारे सूरत का माहौल एक तो काबिले लाहौल है और दूसरा ये है कि सूरत का हाल ये है कि पहले दुकान, फिर मकान, फिर घर जाके खाना खाएंगे, खाना खा के चौक में जाएंगे, फिर चाय पिएंगे, और जब तक खालिद की चाय नहीं पीते, खलील की चाय, और फिर पान खाते हैं, क्या खाते हैं, और आखिर में बयान, शायद हम लोग भी उसी मरहले में आ चुके हैं। खैर, जितने लोग आए यकीनन अल्लाह को बहुत प्यारे हैं कि आज के दौर में इतनी कुर्बानी भी कौन देता है। अल्लाह आप सब के आने को कबूल फरमाए, ये बैठना, ये सुनना सुनाना अल्लाह अपनी शाय निशान कबूल फरमाए। उसके बाद हमारे मौलाना और कारी शाहिद साहब, जो दमन चिच्यावार में खिदमत दे रहे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में बहुत उम्दा नाच सुनाई, अल्लाह ताला उनकी आमद भी कबूल फरमाए और उनका नाच सुनाना भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज का ये जो प्रोग्राम है शादी के उन्वान से, हमारे अशरफ भाई, उनकी नेक बेटी फातिमा 12 तारीख को उनकी शादी है और उसी निस्बत से यह प्रोग्राम है। आपको खुशी होगी ये जानकर, चूंकि हम लोग चलते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार मैं यहाँ आकर ये सुन रहा हूँ कि जिस बच्ची की शादी है उस बच्ची फातिमा को ये शौक था कि मेरी शादी से पहले कोई बयान हो। अब ये कितनी बड़ी बात है, ये औलाद की नेकी और औलाद की नेक नियति और ये औलाद की परहेजगारी के औलाद ये सोचे कि निकाह तो होने ही वाला है,
शादी तो होने ही वाली है, लेकिन शादी से पहले कुछ बयान हो जाए, लोग आएंगे, हाथ फैलाएंगे, दुआएं करेंगे। अब इन हाथ फैलाने वालों में किसी एक का हाथ उठाना अल्लाह को पसंद आ गया तो मेरी शादी तो वैसे ही कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला इस नेक जज्बे को बे इंतहा कबूल फरमाए और होने वाली शादी बे इंतहा आसान फरमाए और अल्लाह उसमें भरपूर बरकतें नाजिल फरमाए। कुरान करीम में निकाह से पहले जो खुतबा दिया जाता है और उनमें जो आयात पढ़ी जाती है, उन तमाम कुरान करीम की आयात को आप सुनेंगे तो जगह जगह आप सुनेंगे रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं इत्तकुल्ला वत्तकुल्ला, ए लोगो अल्लाह से डरो। यकीनन तकवा इतनी प्यारी चीज है, जिसे मिल जाए, जिस उम्र में मिल जाए और जहां से मिल जाए वहीं से उसकी कामयाबी के दिन शुरू हो जाते। इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका फखरे कायनात ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहां के सरदार जिन्हें अल्लाह ने ये शान दी, आप उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए और बैठे तो जमीन को तस्कीन हो जाए। बलसार वालों, ऐसा प्यारा नबी है जिसे पैदा करना न होता, अल्लाह न सा तो जमीन बिछाता न सा तो आसमान सजाता। कायनात का दुलारा, मैं आप खुश नसीब रब्बुल आलमीन, हमें उस दुलार नबी का उम्मती बना दिया। दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इत्तकुल्लाह हाय कुंत, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह से डरते रहो तुम जहां भी रहो, चाहे खलवत में हो, चाहे जलवत में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे बाजार में हो, जो जितना अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारेगा, तकवे वाली जिंदगी गुजारेगा, रब्बुल आलमीन उतना ही उस पर मेहरबान होगा। एक नेक नौजवान लड़का भी नेक तकवे वाला और लड़की भी नेक तकवे वाली, दोनों परहेजगार है, तो अल्लाह उन दोनों के लिए कैसा गैबी निजाम चला रहे हैं वो सुनो। चूंकि रब्बुल आलमीन का कुरान में वादा है وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، دیکھو حالات عدلتے بدلتے ہیں، آج کوئی اور کرسی پر ہے کل کوئی اور آئے گا،
किसी के लिए कुर्सी मुतय्यन नहीं है कि एक ही शख्स चलता रहे। हालात आते हैं जाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम लोगों के दरमियान दिनों को अदलते बदलते हैं, कभी धूप है कभी छांव है, कभी गर्म मौसम है कभी ठंडा मौसम है, कभी बरसात का एक कतरा नहीं तो कभी सैलाब होता है। यह सारा अल्लाह का निजाम है, लेकिन इस निजाम में ईमान वाला क्या करे? तो कि ईमान वाला अल्लाह को पकड़ के रखे, तकवे का दामन थामे रखे। जिस ईमान वाले ने अल्लाह को मना लिया, ने तकवे का दामन पकड़ लिया, हालात कैसे भी हो, उसका अल्लाह ने चाहा कोई नुकसान होने वाला। एक लतीफा, और वो लतीफा नहीं, बहुत समझने की बात है। यह मुझे नहीं सुनाना था, लेकिन मैं जब सीढ़ी उतर रहा था तो इनकी टैप में एक नात चल रही थी, तो उस नात ने मुझ में यह दाइया पैदा किया कि यह सुना दे। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे मैं महाराष्ट्र के एक इलाके में था तो वहां मुसलमानों की अमन रैली निकली, शांत रैली। इस्लाम की तारीफ ये है कि मुसलमान किसको कहते हैं? तो कि मुसलमान कहते हैं भूखों को खाना खिलाना, मुसलमान कहते हैं प्यासों को पानी पिलाना, मुसलमान कहते हैं दुखी के दुखों में शरीक होना, मुसलमान कभी किसी को तकलीफ पहुंचाता? अरे बोलो, कभी किसी को तकलीफ पहुंचाता नहीं। उस शांत रैली में मैं देख रहा था अपने मोबाइल में, तो उसमें एक नारा बुलंद हो गया, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। मेरे कान के पर्दे फटने लगे, मेरा दिल रोने लगा कि तुम जिस सड़कों से जा रहे हो, तुम जिन गलियों से जा रहे हो, उन गलियों में उन सड़कों में कई हमारे वतन प्रेमी भाई रहते हैं, यानी हमारे वो भाई जो हमारे साथ रहने में परोस में है, तिजारत में परोस में है, कारोबार में परोस में है, और हमारे सुख दुख में शरीक है। इन भाइयों के कानों पर जब तुम्हारा ये नारा जाएगा कि इस्लाम जिंदाबाद, तो उनके दिलों को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ओ बलसार वालों, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? मुसलमान वो है कि एक गैरे मुस्लिम बीमार हो गया, अस्पताल पहुंचा, तो मुसलमान का जज्बा यह होता है कि सबसे पहले मैं अस्पताल जाऊं, और इसको खून की जरूरत है तो मैं अपना खून देने तैयार हूं, और इसके पास इलाज के पैसे नहीं है तो मैं कहीं से भी पैसे लाऊंगा और इसका इलाज कराऊंगा। और अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में इस लाइन की मेहनतें चल रही है। जो लोग बगैर मजहब की तफरीक के सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, अल्लाह उन सबको कबूल फरमाए, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। याद रखिए, ये मुल्क भारत सेक्युलर मुल्क है, गंगा जमनी मुल्क है, और ये वो मुल्क है कि इसके दो पहिए, एक मुसलमान और दूसरा हिंदू, दोनों पहिए बराबर चलेंगे तभी ये मुल्क की गाड़ी बराबर चलेगी। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि जिस शहर से, जिस मुल्क से इंसाफ उठ जाए वो शहर वैरान हो जाता है। एक तोता ने एक तोती उड़ते उड़ते एक दरख्त पर जाकर बैठ गए। जो मुझे सुनाना था वो सुना रहा हूं, पहले मैंने मुकदमा कायम किया। ये तोता और तोती
एक दरख्त की टहनी पर जाकर बैठे तो तोती तोते से कह रही है, मालूम होता है ये शहर उजर चुका है, वीरान हो चुका है। तोते ने कहा, मैं भी यही देख रहा हूं। तोता तोती तो जानते हैं ना, बलसार में कुछ और बोलते हैं। तोते ने कहा, मैं भी यही देख रहा हूं कि शहर वीरान हो गया है। तो तोती ने धीरे से कहा, किसने उजाड़ा होगा ये शहर, किसने वीरान कर दिया? तो तोते ने जवाब दिया, कौन उजाड़ेगा, मुझे लगता है उल्लू ने उजाड़ दिया। किसने उजाड़ दिया? उल्लू ने उजाड़ दिया। पड़ोस की डाल में जनाबे उल्लू बैठा हुआ था। कौन था? उल्लू सुन रहा है कि ओहो, दोनों अजनबी है, बाहर से मेहमान बन के आए हैं और डाल पे बैठ के मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो उल्लू उड़ के उनकी वाली डाल पे जाके बैठा और दावत पेश की, देखो आप दोनों नए हैं, मेहमान है, और मैं देख रहा हूं कि शायद तुमने खाना भी नहीं खाया, रात काफी हो चुकी, आराम की जरूरत है। तो एक काम करें, आप जो है मेरे घर मेहमान बन जाए, आज रात का खाना साथ में खाएंगे, आराम करो, सुबह निकल जाना। तो तोते और तोती ने एक दूसरे की तरफ देखा कि क्या किया जाए। तो दोनों ने इशारों से बात कर ली कि अच्छा मौका है, दावत कबूल कर लेनी चाहिए। तो दोनों उल्लू के घर पहुंचे, उल्लू ने उम्दा खाना खिलाया, रात को आराम कराया। जब सुबह हुई तो तोते साहब ने कहा, जनाब इजाजत ले हम चलें, आपका बड़ा एहसान, बड़ी खिदमत की, बड़ा आराम पहुंचाया, अब हम जाना चाहते हैं। तो उल्लू ने कहा, हुजूर आप जा सकते हैं। कहा, आप जा सकते क्या मतलब? कहा, तुम अकेले जा सकते हो, तोती को साथ में नहीं ले जा सकते हो। कहा, यह क्या जुल्म है, तोती पर तुम कब्जा जमा रहे हो। कहा, यह तोती अब तुम्हारी बीवी नहीं, अब मेरी बीवी है। अल्लाहु अकबर। यकीनन हमें अफसोस है और यकीनन हम रो रहे हैं दुआओं में कि एक पढ़ा लिखा मुसलमान, बल्कि किसी बड़े दारुल उलूम का हदीस पढ़ाने वाला, वो शरीयत के मामले में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ऐसा आदमी जिसने इस्लाम की हवा लगी, वो इस्लाम और शरीयत के बारे में कैसे छेड़छाड़ कर सकता है? लेकिन इन तमाम चीजों का हल कानून के दायरे में और अपने बड़ों की रहनुमाई के दायरे में करना पड़ेगा। जज्बात से कोई काम हो सकता नहीं। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब भी सुनो और दिल के कानों से सुनो, जब भी रुए जमीन पर कोई फिरौन सर उठाता है तो अल्लाह मूसा का इंतजाम कर ही देता है। हमारा यकीन है। कौन बदला लेगा? अरे बोलो मोहब्बत से, कौन बदला लेगा और क्यों अल्लाह लेगा? कि कुरान उतारने वाला अल्लाह है, शरीयत को उतारने वाला अल्लाह है और इस शरीयत का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के मंशे के मुताबिक सारी चीजें चल रही है। अब उसमें कोई तब्दीली की बात लाए तो वो गोया अल्लाह का मुकाबला कर रहा है, और जो अल्लाह के मुकाबले पर आए फिर अल्लाह उसे छोड़ता। उसकी एक और मिसाल देता हूं मैं। दिया तो जानते हो, दिया गुजराती में दिया, और उर्दू वाले उसको चराग बोलते हैं, चराग। ये दिया जब जलाते हैं तो उसमें जो केरोसिन होता है, जब दिया जलते जलते बिल्कुल आखिरी मरहले पर होता है, यानी उसका तेल, मिट्टी का तेल केरोसिन,
जब नीचे तलिए पर आ जाए, बूंदे पर, तो ऊपर जलने वाली जोर से आवाज आना शुरू हो जाती है, और वो आवाज होती है फर 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 फर, आवाज आती है, आती नहीं आती। तो घर वाले समझ जाते हैं कि तेल खत्म होने पर है, दिया बुझने वाला है, दिया क्या होने वाला है, और अल्लाह ने चाहा तो बुझेगा इंशाल्लाह। कौन बुझाएगा? ओ बलसार वालों, कौन बुझाएगा? अल्लाह बुझाएगा, हमारी कोई ताकत? खैर, जब उल्लू ने कहा कि तोती तो अब मेरी बीवी, तुम नहीं ले जा सकते, तो तोता परेशान हो गया, जनाब ये क्या जुल्म है, ये क्या ज्यादती है, एक रात खिलाए, मेहमान बनाए, तो बीवी पर कब्जा कर रहे हैं। जैसे बहुत से मशाइक फरमाते हैं कि बरसों की मेहनत के बाद अचानक कुर्सी मिल गई तो तेवर इतने बदल गए, मालूम होता है इस तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सारी दुनिया के पीएम बन चुके हैं। ये हम भी समझते हैं, लेकिन हम कोई काम जज्बात से नहीं करेंगे, हम कोई काम भारत के संविधान के खिलाफ करने वाले नहीं है। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, बल्कि हम तो बबांगे दुहल कहते हैं कि इस भारत की आजादी की लड़ाई में अगर मुसलमान शरीक न होते तो आज भी ये भारत गुलाम होता, आज भी गुलाम होता। इस भारत के किसी भी कोने से आप मिट्टी उठाए मुट्ठी भर के और उस मिट्टी को यूं निचोड़ें, सबसे ज्यादा खून के कतरा टपकेंगे तो वो मुसलमानों के खून के टपकेंगे। हमने इतने कुर्बानियां पेश की, बल्कि बात से बात मुझे अचानक याद आई, अंग्रेज का दौर है और अंग्रेजों के मुकाबले में जब इस मुल्क के उलमा ने मैदान में उनके सामने सीना तान के खड़े हो गए और मुकाबले पर आ गए कि इस भारत में अंग्रेज नहीं रह सकता और अंग्रेज की हुकूमत नहीं चल सकती, हम भारत के रहने वाले, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक है, इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हम सब मिल के अंग्रेज का मुकाबला करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, जब सब ने मिल के मुकाबला किया तो अंग्रेज को मुल्क छोड़ना पड़ा। उसी लड़ाई में हमारे तीन बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना थानेसरी और मौलाना लाहौरी रहमतुल्ला अलैह, ये तीन मशाइख आज अंग्रेज के मुकाबले पर है। अंग्रेज ने इनको पकड़ लिया, उनके पैरों में जंजीरें डाल दी, साकरें डाल दी, और आज जो है कोर्ट में उनको पेश किया गया तो अंग्रेज जज ऐलान कर रहा है कि इन तीनों को फांसी दी जाए। तो जैसे जज ने फांसी का ऐलान किया तो इन तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुरा रहे थे। तो अंग्रेज हैरान था कि मैं फांसी का ऐलान कर रहा हूं और ये मुस्कुरा रहे। तो अंग्रेज ने फिर ऐलान किया, अरे समझते हो, मैं फांसी का ऐलान सुना रहा हूं, कोई दावत और खाने की बात नहीं करता, मैं फांसी का ऐलान सुना रहा हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो इन तीनों बुजुर्गों ने यक जबान होकर कहा, अरे तू फांसी देने में देर कर रहा है, तू जल्दी से फांसी दे दे, इसलिए कि हम अपनी आंखों से जन्नत की हूरों को देख रहे। ये हमारे बुजुर्गों के जज्बात थे, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्ला अलैह, अंग्रेज बार बार कहता था शेखुल हिंद रहमतुल्ला अलैह के मुतालिक के सारे तीन फीट के इस मौलवी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, हमने इस भारत के लिए इतनी कुर्बानियां पेश की। उसी भारत में अब मुसलमान को यूं लगने लगे कि हम इस मुल्क के हिस्सेदार नहीं, शायद किराएदार है, तो वे अफसोस तो होगा कि नहीं होगा। खैर, जब उल्लू ने कहा कि बीवी को साथ में नहीं ले जा सकते तो तोते ने कहा, ये क्या कहते हो, मैं लेके जाऊंगा। कहा, कैसे लेके जाओगे, हमारी बस्ती है, आबादी हमारी है, तुम अकेले हो, जरा सोच के बोलो क्या बनेगा तुम्हारा। तोते ने कहा, हम कोरत चलते हैं, कोरत में जाके लड़ेंगे, कोरत में जाएंगे।
उल्लू ने कहा अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ कोर्ट में चलते, चलो कोर्ट में चलते। दोनों कोर्ट में गए तो लिखने वाला लिखता है कि तोते के दलाइल के मुकाबले में उल्लू के दलाइल मजबूत थे। किसके दलाइल? उल्लू के दलाइल। जज ने दलाइल को सामने रखकर फैसला दे दिया कि तोती उल्लू की बीवी है न कि तोते की बीवी है। अल्लाहु अकबर। तोता बेचारा बाहर निकला, मुंह छोटा सा, जाने लगा तो उल्लू ने आवाज दी, भाई ठहरो, ऐसे कैसे नाराज होके जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। तो तोता करीब आया, मुसाफा लिया, फिर कहने लगा अकेले क्यों जाते हो? कहा फिर किसको लेके जाऊं? कहा ये तोती तुम्हारी बीवी, इसको साथ में नहीं ले जाओगे? कहा तुम कोर्ट में गए, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि तुम्हारी बीवी, अब कैसे ले जाऊं? अरे भाई तू कोर्ट की छोड़, मैं जानता हूं ना तेरी बीवी है। कौन कह रहा है? उल्लू। मैं जानता हूं ना तेरी बीवी, ले जा, मुझे इसकी क्या जरूरत है, ले जा ले जा, तेरी बीवी है तू ले जा। तो तोता परेशान है, इतनी मेहनत करवाई, औरत तक मुझे ले गया और अब मुझे कहता है तेरी बीवी है ले जा, तो तूने मुझे ये मेहनत क्यों करवाई, औरत के दरवाजे तक क्यों ले गया? अल्लाहु अकबर। उल्लू का जवाब सुनो मुसलमानों, कहने को उल्लू है लेकिन जवाब उसने कितना प्यारा दिया। उल्लू कह रहा है तुम दोनों टहनी पर बैठे हुए थे और तुम दोनों ये बात कर रहे थे कि उल्लू ने शहर उजाड़ दिया, तो मुझे सिर्फ तुम्हें ये बतलाना था कि उल्लू के उजाड़ने से शहर नहीं उजड़ते। जिस शहर का इंसाफ बिक जाए और जिस मुल्क का इंसाफ बिक जाए, वो शहर और वो मुल्क उजड़ जाया करते, उजर जाया करते। आज भी इस भारत को आगे बढ़ाना है और इस मुल्क को तरक्की देना है तो जो नारा ऊपर से दिया गया है सबका साथ सबका विकास, उस पर चलना पड़ेगा, तभी जाके मुल्क तरक्की कर सकता है। और अगर ऊपर से ये बात हो कि सबका साथ सबका विकास और अंदर के जज्बात ये हो कि चंद लोगों का विकास बाकी सबका नाश, तो आप इंतजार करें बहुत जल्द ये मुल्क टूट जाएगा, टूट जाएगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह इस मुल्क के टुकड़े होने से हिफाजत फरमाए और इस मुल्क में हमारे जितने वतन प्रेमी भाई हैं अल्लाह हम सब के दरमियान आपस में कल्बी मोहब्बत पैदा फरमाए, दिलों का जोर पैदा फरमाए। और आज तक हम जैसे कंधे से कंधा मिलाकर रहे हैं अल्लाह हमेशा इसी तरह रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस पर कह रहा था, वो नेक नौजवान की बात कर रहा था कि लड़का भी नेक लड़की भी नेक, तो अल्लाह ताला कैसा गैबी निजाम चलाते हैं। और ये अल्लाह का वादा है وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ। रब्बुल आलमीन का ऐलान है और उसका वादा है जो मुझसे डर के जिंदगी गुजारे। एक और मिसाल दूं, बार बार वो जहन में आ रही इसलिए बोल रहा हूं। 8 दिसंबर को ऐलान हुआ नोटबंदी, लेकिन मेरा दावा है जो लोग अल्लाह से डरने वाले थे, जो लोग नमाजों को कायम करने वाले थे और जो लोग इस मुल्क के वफादार थे, 8 दिसंबर की नोटबंदी का ऐलान उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले से रेगुलर थे, वो तो पहले से टैक्स दे रहे थे, सारे काम उनके सही थे, अल्लाह से डरने वाले थे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं आज फिर रात को 12 बजे के बाद ऐलान हो जाए कि 2000 का नया नोट बंद किया जाएगा, मैं समझता हूं जिनका भरोसा अल्लाह पर है उन पर कोई असर होने वाला, अरे बोलो उन पर कोई असर होने वाला। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
इस पूरी कायनात का बनाने वाला, इस पूरी कायनात का सजाने वाला, और इस पूरी कायनात को संवारने वाला, और इस पूरी कायनात को चलाने वाला। अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह को जानना है, खुले आसमान ही को देख लो ना, बगैर सुतून के इतना बड़ा आसमान फैला दिया। जब से दुनिया बनी साइंस दा पैदा होते चले जा रहे, और न जाने कयामत तक कितने पैदा हो जाएंगे, लेकिन आज तक किसी साइंसदान ने यह दावा नहीं किया कि हम दुनिया के फुला कोने में गए, हमने एक सुतून पाया है या आसमान का किनारा मिल गया है। आज तक तुमने सुना किसी साइंसदान ने यह दावा कर लिया हो कि हम मुल्क के फुला कोने में गए या दुनिया और वर्ल्ड के फुला कोने में गए तो हमें आसमान का किनारा मिल गया, आसमान की इंतहा मिल गई? आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका, कोई दावा नहीं कर सका। ये हमारे रब की एक खुली निशानी है। जो अल्लाह को जानना चाहते हैं, जो अल्लाह को पहचानना चाहते हैं, मेरे भाइयों, कोई ग्रंथ न उठाओ, कोई किताब न पढ़ो, आसमान को पढ़ लो, आसमान के सितारों को पढ़ लो, आसमान की जीनत को पढ़ लो, आसमान की खूबसूरती को पढ़ लो। ये आसमान तुम्हें कहेगा कि कोई एक है जिसने आसमान को बनाया है, कोई एक है जिसने आसमान को सजाया है, कोई एक है जिसने आसमान को संवारा है, और कोई एक है जिसने आसमान को जमीन वालों पर गिरते हुए रोका हुआ है। वो रब्बुल आलमीन, इस कायनात का बनाने वाला खुद कुरान में कह रहा है, जो भी मुझसे डरेगा तकवे वाली जिंदगी गुजारेगा। मुश्किलात से निकलने के लिए मैं उसके लिए राहें पैदा करूंगा। وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ऐसी जगह से मैं रोजी पहुंचाऊंगा कि उसको गुमान भी नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है। हर ईमान वाला ये कहता है कि हमें नहीं पता चलता कि ये रोजी कहां से आ रही है। कौन खिलाता है भाई और कौन पिलाता है? जब रात को सोने का वक्त आता है, अरे एक आदमी बिस्तर पर जाए, अल्लाह नींद खींच ले, तो तुम कैसे सो सकते हो? मालूम हुआ बिस्तर पर जाकर सुलाने वाला भी कौन है? अल्लाह है। और एक सोने वाला सो गया, अब तुम्हें बच्चे लाख उठाएं, लेकिन अल्लाह तुम्हारी रूह खींच ले तो तुम्हें कौन उठा सकता है? मालूम हुआ कि सोने के बाद भी उठाने वाला कौन है? अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह। ये नेक नौजवान, लड़का भी नेक है, लड़की भी नेक है, अल्लाह ने कैसा गैबी निजाम चलाया। ये नेक लड़का आज अपने घर से चला हज के इरादे से कि मुझे हज करना है। अल्लाह हम सबको हाजी बनाए, नमाजी बनाए, और बार बार अल्लाह में उस डर की हाजिरी नसीब फरमाए। उलमा लिखते हैं वो नेक नौजवान आज घर से चला है हज के इरादे से, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा, हज से फारिग हो गया, और उसी दरमियान जो साथ में तोशा और नान नफका था वो सब भी खत्म हो गया। घर से सामान लेकर पहुंचा है, सारा खत्म हो गया, जेब में अब एक रुपया नहीं, लेकिन अल्लाह का डर सीने में बैठा हुआ था तो उसको शर्म आ रही थी कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं। तो अब हरम में जाता है, नमाज पढ़ता है, हाथ फैलाता है और देने वाले से कहता है, देख तेरा बंदा, तेरा आजीज और तेरे डर का भिखारी तेरी चौखट पर आ चुका है, तो सबको देता है तो इस आजीज को भी कुछ न कुछ दे दे। किसी अल्लाह वाले ने बहुत खूब कहा,
सब मंगते हैं वो दाता। अल्लाह हमें भी उसी से मांगने की तौफीक अता फरमाए। सब मंगते हैं वो दाता, मांगो उसी से शर्म न कर, और उसको सुवाली से है प्यार, और उसको सुवाली से है प्यार। मांग उसी से शाम सहर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर, तेरी जबा हो उसका नाम, तेरी जबा हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर, और जिए तो उसका होकर जी, और जिए तो उसका होकर जी, और मरे तो उसका होकर मर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर। वो नेक नौजवान आज हरम में है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, दुआ करके निकला, कुछ रास्ते में चला तो अचानक उसने एक थैली देखी, उस थैली को उसने उठा लिया ये सोच कर कि मेरे अल्लाह ने रोजी का इंतजाम कर दिया। अपने खैमे में गया, खैमे में जाकर थैली का मुंह खोला तो उसकी आंख फट गई, उस थैली में कीमती हीरों का हार था। क्या था? कीमती हीरों का। और जैसे जैसे उसने वो कीमती हीरों का हार देखा, उसकी जबान पर फौरन आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, दिल से कहो बलसार वालों, अल्लाह ना करे मैंने आप इस हाल में पहुंच जावे, ने हमको ऐसी थैली मिल जावे, तो इन्ना लिल्ला पढ़ेंगे के अल्हम्दुलिल्ला पढ़ेंगे। ये तकवे का इम्तिहान है, इसमें नमाजी की नमाज का इम्तिहान है, इसमें रोजेदार के रोजे का इम्तिहान है। मैं मिसाल दिया करता हूं कि हमारा एक 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 आदमी हमारा मुंबई से चला और एसी डिब्बे में बलसार इत्मीनान से उतर गया। अब दोस्त उसको मिलने आए, टिकट तो लिया नहीं था कि मुल्क हमारा तो ट्रेन हमारी, टिकट क्यों लेना, टिकट तो लिया नहीं है, बलसार उतर गया। दोस्त लेने पहुंचे, मुसाफा किए, भाई सफर कैसा रहा, कि मत पूछ, अल्लाह ने इतनी मदद की, इतनी मदद की कि बलसार तक चेक कर आया ही नहीं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं एक और मिसाल देता हूं, अल्लाह ना करे हम में से किसी का मित्र डायरेक्ट था, बिजली का तार जॉइंट नहीं था, लंगर डाला था, शरअन जायज, अरे बोलो शरअन जायज, नहीं नहीं है, लंगर था, तार अंदर नहीं था, अचानक चेकिंग आ गई, विद्युत बोर्ड के लोग आ गए, और वो हमारा मीटर देखने वाला था कि अचानक उसका जिन्नात बोलने लगा। कौन बोलने लगा? मैं इसको जिन्नात कहता हूं, ये हर वक्त साथ में रहता है, टॉयलेट में भी बोलता है, टॉयलेट में भी बोलता है। और हमारे एक उस्ताद थे, वो ये कहते थे कि ये जासूस है। क्या है? तुम कहां हो ये बतला देगा, बतला देगा। उस बेचारे का बोलने लगा तो वो मीटर देखने के बजाय मोबाइल निकाला और देखा, ओहो ये तो होम मिनिस्टर का फोन है, तो उसी में लग गया और गाड़ी लेके वापस चला गया। तो घर के सारे लोग
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, शायद सदका भी देंगे कि बला टल गई। मुसलमान नमाज भले पढ़ता है, मुसलमान रोजेदार भले हैं, जकात भी दे देता है, लेकिन उस बेचारे को यह पता नहीं है कि बिजली का तार इस तरह इस्तेमाल करना यह अल्लाह की नाराजगी का सबब है। बगैर टिकट के ट्रेन में सफर करना यह किसकी नाराजगी का सबब है? अल्लाह नाराज होता है कि मुसलमान ऐसे काम करे। भाई हो सकता ये नौजवान, नाम क्या है? मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल बाकी, मोहम्मद अब्दुल। ये नौजवान थैली का मुंह खोलते ही जब हार देखा तो वो समझ गया कि ये किसी हाजी का हार गुम हो चुका है जो मुझे मिल गया। तो उसने इन्ना लिल्ला पढ़ी और थैली का मुंह बंद किया और अंदर का ये जज्बा है कि मैं मालिक को तलाश करूंगा और यह हार पहुंचा दूंगा कि इस माल को मैं इस्तेमाल कर सकता। मैं अभी सड़क से आ रहा था तो एक ट्रक पे लिखा था, वो ट्रक यूं मुड़ रही थी, अचानक मेरी निगाह गई तो उस पे लिखा था कि नीयत का सफा तो हर जगह नफा। समझ रहे? मुझे मालूम नहीं था कि ये यहां काम आ जाएगा। नीयत का सफा तो हर जगह नफा। इसकी नीयत में सफाई थी कि मुझे तो वो खाना है जो अल्लाह खिलाए, किसी का माल खाना नहीं। इसलिए कि किसी का माल खाना नाजायज, किसी का रुपया भी पेट में डालते हो तो मशाइक लिखते हैं आप जहन्नम की आग पेट में भर रहे हो। उसने जैसे मुंह बंद किया, एक ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए आया, भाई इस किस्म का हार है, अगर किसी को मिला हो तो फुला जगह मालिक को पहुंचा दो, पहुंचाने वाले को 10,000 दिरहम इनाम दिया जाएगा। कितना इनाम? 10,000 दिरहम। अल्लाह हू, उस जमाने में सोने के दिरहम होते थे, हमारी तरह कागज की नोट नहीं होती थी, सोने के दिरहम होते थे, 10,000 दिरहम। तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि वो हार कितना कीमती होगा, हार कितना कीमती होगा। मोहम्मद अब्दुल बाकी उस थैली को लिया और मालिक को पहुंचाने गए। मालिक खैमे में बैठे हैं, थैली रखी तो मालिक थैली देखकर ही खुश हो गए कि वही थैली है। फिर भी मुंह खोला के अंदर तो देख लो, अंदर देखा, चूंकि आजकल ऐसा होता है कि शादी है और शादी के मंडप में खाने के लिए दाखिल हो रहे हैं तो दाखिल होते ही जो एक टेबल रखा है और वहां लोग व्यवहार लिखाते हैं। तो मैं एक जगह अभी गया तो कहा मौलाना दो आदमी ऐसे आए कि 2,000 की डुप्लीकेट नोट देकर गए कि 100 रुपये व्यवहार लिखो, ऊपर से 1900 वापस लेके गए। ये मुसलमानों की शादी का हाल बयान करता हूं। इन्होंने भी मुंह खोला कि देख तो लू के हार है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि कंकर भर के आया हो ऊपर से 10,000 लेकर चला जाए। मुंह खोला तो जबान पे था अल्हम्दुलिल्लाह, वही हार है। तो आपने मुंह बंद किया, बेटा ठहरो इनाम लेके आता हूं। अभी वो उठ रहे इनाम लेने तो मोहम्मद अब्दुल बाकी चलने लगे, बेटा रुको इनाम लेके जाओ। तो आप कह रहे नहीं 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 मुझे इनाम नहीं चाहिए। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐलान करवाया है मुझे 10,000 देने हैं। तो इनकी जबान पर था आप दे दे कर कितना दोगे, जिसके लिए अमल कर रहा हूं वो तुमसे ज्यादा देने वाला है, तुमसे ज्यादा देने वाला। कितना तकवा होगा, कितनी परहेजगारी होगी। अब चले तो बीच में समंदर है, कश्ती में सवार हुए कि दूसरे किनारे पहुंचकर मंजिल पहुंचूं। समंदर में सवार थे, अचानक तूफान बरपा हुआ, कश्ती टूट गई, सारे साथी तितर बितर हो गए।
मुश्किल से इन्हें एक लकड़ा हाथ में आ गया तो उस लकड़े के सहारे किनारे पर पहुंचे। जैसे किनारे पर गए तो आपने मस्जिद तलाश की तो करीब में छोटी सी मस्जिद, खूबसूरत जैसे आपकी घांचीवार की है ऐसी मस्जिद में वो पहुंच गए और मुसल्ले के बिल्कुल पीछे जाकर बैठ गए नमाज के इंतजार में। इसलिए कि किसी से कोई शिकवा नहीं था, शिकवा अगर करना था तो किससे करना था? अल्लाह से करना था। नमाज का वक्त हुआ तो लोग मस्जिद में आ गए, मस्जिद भर गई, लोग देख रहे हैं नमाज पढ़ानी है और इमाम साहब नहीं है। इत्तेफाक से पुराने इमाम साहब वफात कर चुके थे, बड़ी उम्र के थे मुअम्मर। अल्लाह हमारे इन इमामों की उम्रों में बरकत अता फरमाए और ता हयात अल्लाह हमें इनके पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कि ये भी इमाम की कदर है कि इमाम कहे कि छोड़ना है और बस्ती वाले कहे नहीं मौलाना आपको नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह मुझे भी जो बोल रहा हूं आप जो सुन रहे हैं ऐसे ही अल्लाह हमें अपने इमामों की कदर और खिदमत की तौफीक अता फरमाए। पुराने इमाम थे, इंतकाल कर गए थे, अभी नए इमाम कोई आए नहीं थे, तो लोगों ने देखा ये कोई नौजवान है और बड़ा प्यारा सा चेहरा है, चेहरे से नेक मालूम होते हैं, तो इनको कहना चाहिए नमाज पढ़ाओ। तो लोगों ने कहा बेटा नमाज पढ़ाओगे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज से कैसे इनकार कर सकते हैं। मुसल्ले पर गए, नमाज पढ़ाई तो माशाल्लाह इतनी उमदा मीठी प्यारी आवाज थी कि लोग खुश हो गए। तो लोगों ने फौरन मशवरा कर लिया भाई हमें इमाम की जरूरत थी, समझो अल्लाह ने भेज दिया। तो सारे जिम्मेदार जमा हुए, का आप इमामत कराओगे? का अल्लाह का शुक्र है मैं कुरान का हाफिज हूं और मैं दीन पढ़ा हुआ हूं, मैं इमामत कराऊंगा। चंद दिन हुए, चंद दिन, सुनो अल्लाह का गैबी निजाम सुना रहा हूं, अल्लाह का गैबी निजाम सुना रहा हूं। चंद दिन हुए, चंद दिन, चंद दिन के बाद बस्ती के जो जिम्मेदार थे जमा हुए, का नौजवान है, नेक सीरत है और बा अखलाक है, रहन सहन बहुत अच्छा है, तो हम ऐसा ना करें कि उसके पैरों में बेरी डाल दे। क्या डाल दे? पैरों में बेरी समझते हैं? पैरों में बेरी बोलते हैं कि इन्हें घर जमाई बना लिया जाए। तो अब यहां घर जमाई तो नहीं, शहर जमाई बन जाएगा कि गांव जमाई बोल लो। पुराने इमाम साहब की एक नेक परहेजगार बच्ची इनके पास अमानत थी और मौलाना मरते वक्त कहकर गए थे कोई नेक लड़का मिले तो मेरी बच्ची का निकाह पढ़ा देना। बस्ती वालों ने सोचा इनको बस्ती से लड़की देकर शादी करा दो, अगर यहां के दामाद बन गए तो फिर बंदा कहीं भी जाएगा। हमारे यहां क्या बोलते हैं? घर जमाई बोलते हैं ना, घर जमाई। शादी के चंद दिनों बाद किसी नौजवान को पूछे भाई बहुत दिन हो गए नजर नहीं आ रहे थे, तो क्या बोलते? दावत में गया था। कहां दावत थी? तो क्या बोलते हैं? जन्नत नगर। क्या बोलते? उस पर भी मैं कहता हूं कि जन्नत नगर ना कहो। क्या ना कहो? क्योंकि जन्नत जन्नत है, दुनिया में उसका कोई बदल ही नहीं है। ये तो ये ईमान वाले, ये कुर्बानियां देने वाले और ये ठंडी बर्दाश्त करके अल्लाह नबी की सुनने वाले जब जन्नत में जाएंगे तो पता चलेगा कि जन्नत कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह हम सबको बगैर हिसाब के नसीब फरमाए। तो अब आपको सवाल होगा कि मौलाना फिर उसका कोई बदल तो दे दो ताकि आसानी रहे। तो मैं उसका बदल बतलाता हूं कि जन्नत नगर के बजाय यूं कहा कहो सहूलत नगर गया था। कौन से नगर? हर किस्म की सहूलत होती है और हमारे यहां तो जमाई राजा बोलते हैं और राजा फिर माशाल्लाह राजा ही बन जाते हैं। जिम्मेदारों ने मशवरा करके इनके सामने बात रखी कि बेटा अब्दुल बाकी आप नौजवान हो, शादी की जरूरत है, तो हमारे पास एक नेक बच्ची है,
अगर आप रिश्ता मंजूर करें, निकाह पढ़ा दें। इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं एक मर्तबा देख लूं। कितनी मर्तबा ओ नौजवानों, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा देख लेना मुस्तहब है कि देख लिया जाए ताकि बाद में कोई मसला ना रहे। इन्होंने कहा मुझे एक मर्तबा देख लेने दो। कहा बहुत अच्छी बात है, लड़की भी चाहती है कि एक बार तुम्हें देख ले। जिस कमरे में लड़की बैठी है इनको लेकर गए मोहम्मद अब्दुल बाकी, उस कमरे में गए और लड़की को देखा तो उनकी आंख फट गई, इसलिए कि जो हार मक्के में मालिक को वापस किया था वो हीरों का हार उस बच्ची के गले में लटक रहा था। कहो सुभानअल्लाह। अब आपको सवाल होगा ना कि ये हार मक्के से चल के यहां कैसे आया, समंदर पार करके किसने पहुंचाया? अल्लाह ने पहुंचाया। वो हार देख रहे हैं, हार देख रहे हैं, फिर बाहर निकल गए तो जिम्मेदारों ने पूछा बेटा अब्दुल बाकी लड़की पसंद है? कहा हां लड़की मुझे पसंद है, मैं निकाह को तैयार हूं। तो अब ये जिम्मेदार लड़की के पास गए, बेटी लड़का पसंद है? तो लड़की कह रही है देखो कितनी नेक लड़की होगी और अंदर की माया कितनी साफ है। लड़की कह रही है लड़का मुझे चेहरे से तो पसंद है लेकिन उसकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही है, नीयत अच्छी नहीं लग रही है। ये मुझे फातिमा की नेक नीयति पर यह वाकया याद आया है कि लड़कियां जब नेक होती है तो अल्लाह कैसे फैसले करता है। तो जिम्मेदार हैरान है, बेटी क्या कह रही हो, वो हमारे इमाम है और बहुत नेक है। कहा तुम्हारा तजुर्बा तुम्हारा है लेकिन मैंने, मेरे पास आए मुझे देखने तो मैंने अपनी आंख से जो देखा वो मैं कह रही हूं कि नीयत से अच्छा नहीं लग रहा। कहा बेटी क्यों? तो अब वो लड़की कह रही है कि उन्होंने मेरे चेहरे को कम देखा है, मेरे हार को ज्यादा देखा है, मेरे हार को ज्यादा देखा है। कहा बेटी ठीक है हम उनसे बात करते। बाहर गए, बेटा अब्दुल बाकी लड़की को तुम पसंद हो, तुम्हें लड़की पसंद है, सिर्फ एक मसले का हल चाहिए। कहा वो क्या? कहा लड़की ये कह रही है कि तुमने चेहरा कम देखा, हार ज्यादा देखा, जरा इसका मसला हल कर दो, बस हो गया। कितना प्यारा जवाब दिया वो मोहम्मद अब्दुल बाकी कह रहे हैं हार ज्यादा देखने की सिर्फ एक वजह है कि ये वो हार है जो मक्के में मेरे पास आया है और मैंने मालिक को पहुंचाया है, मैंने मालिक से इनाम नहीं लिया, वो हार आज बच्ची के गले में देख रहा हूं तो मैं हैरान हूं कि मैं तो समंदर पार करके आया तो ये हार बच्ची के गले में कहां से आया, कहां से आया। तो जिम्मेदार बच्ची के पास गए, बेटी इस हार का कोई वाकया? तो लड़की के आंखों में आंसू है और वो ये कह रही है इस हार का बहुत बड़ा वाकया है कि मैं अपने वालिद के साथ हज में थी और अब्बा के ये हार खो चुका था तो अब्बा ने ऐलान किया जिसे मिले पहुंचाए 10,000 इनाम दूंगा। तो एक नौजवान अब्बा बतला रहे थे, एक नौजवान हार लेकर आया मुझे दिया इनाम नहीं लिया और ऊपर से मुझे ये जुमला कस के गया है कि जिसके लिए अमल किया हूं वो तुमसे ज्यादा देना जानता है। तो ये मेरे दिल पर ऐसा नक्श कर चुका है कि जवानी में ये तकवा, जवानी में ये परहेजगारी, तो उस वक्त से मेरे वालिद ने मुझे कहा था बेटी मैं इस नौजवान के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं और जिंदगी के इस सफर में मैं तलाश करूंगा, अगर मेरी हयात में मेरी मौजूदगी में ये लड़का मिल गया तो मैं इसी लड़के से तेरा निकाह कराऊंगा और ये हार मैं उसको हदिये में दे दूंगा। अल्लाह के लिए कोई अमल करे भाई अल्लाह के खजानों में कोई कमी, कोई कमी। जब लड़की ने यह बात कही तो जिम्मेदारों की आंखों में आंसू आ गए कि हाय मेरे अल्लाह, मरने वाला जितनी नेक बेटी छोड़ के गया अल्लाह ने उसको इतना ही नेक लड़का भी नसीब किया, ऐसा परहेजगार लड़का नसीब किया। अल्लाह ताला
हम सबको ऐसी नेक औलाद नसीब फरमाए, परहेजगार औलाद नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह जब तूने हमें औलाद दे रखी है, हमारी औलादों को आंखों की ठंडक बना, औलादों को परहेजगार बना, औलादों को फरमा बरदार बना। हमारे हजरत शेख तरीकत हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातुम अलैना, मैंने अफ्रीका में हजरत से सीना बसीना बार बार ये दुआ सुनी है। हजरत रो रो के दुआ मांगते थे, ए अल्लाह जब तूने औलाद दे रखी है, औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा, औलाद के गमों से हिफाजत फरमा, औलाद की बीमारियों से हिफाजत फरमा। क्यों? इसलिए कि औलाद जब सुखी होती है, ने औलाद जब नेक होती है, ने औलाद जब माँ बाप की खिदमत करने वाली होती है, तो माँ बाप की दुनिया जन्नत बन जाती है। ने औलाद जब दुखी होती है या औलाद नाफरमान होती है, तो माँ बाप की दुनिया जहन्नम बन जाया करती है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नेक औलाद अता फरमाए, और फिर हम इस मकाम पर जिस बच्चे यानी फातिमा की शादी होने वाली है, हम सब मिलके दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी नेक नियति नेक जज्बात बे इंतहा कबूल फरमाए, होने वाले निकाह और शादी को बे इंतहा कबूल फरमाए। इसी तरह हमारे मरहूम याकूब अल्लाह रखा मुल्तानी साहब, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। मरहूम अब्दुल भाई वली मोहम्मद, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए। उसी तरह मरहूम हुसैन भाई मुसेजी सारन, उनके लिए भी दुआ की जाए, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए। इसी तरह मरहूम इस्माइल मुसेजी सारन, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। इसी तरह उम्मत के जितने भी मरहूमीन व मरहूमात जो आज कब्रों में आराम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब की मगफिरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। इसी तरह हमारे मौलाना शराफत अली साहिब, उनके वालिद गिरामी हस्पताल में है, बीमार है, ये उनकी कुर्बानी है कि वालिद हस्पताल में बीमार है, फिर भी उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और यहाँ कुर्बानी के साथ बैठे हैं। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह उनके वालिद गिरामी को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, और भी उम्मत के जितने बीमार हैं अल्लाह सभी को शिफा अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज के बयान को ख़त्म करते हैं। आखिर में दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक दो मिसरे पढ़ता हूं, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। मुस्तफा शान रहम पे बेहद सलाम, बेहद इसलिए कह रहा हूं, कोई लाखों भी पढ़ता है, कोई अरबों भी पढ़ता है, कोई खरबों भी पढ़ता है, लेकिन मैं हमेशा बेहद पढ़ता हूं। उसकी वजह यह है कि सलाम किसको भेजना है, अल्लाह को भेजना है और अपने दुलारे नबी को भेजना है। तो जब भेजने वाला अल्लाह हो और दुलारे नबी पर भेजा जाए, तो लाख और अरब खरब की कैद लगाने की ज़रूरत नहीं। हम तो ये कहते हैं अल्लाह अपनी शाया निशान सलाम भेज, अपनी शाया निशान सलाम भेज। मुस्तफा शान रहम पे बेहद सलाम की नूरानी सूरा, पे बेहद सलाम की पाकीज़ा सीरा, पे बेहद सलाम जिनको मेराज में हक के कुर्बत मिले, सारे नबियों की जिनको इमामत मिले, और खैरुल उम्म जिनको उम्मत मिले, और शफाअत की जिनको
इजाजत मिली उस नबी की नबूवत पे बेहद सलाम मुस्तफा शान रहमत पे बेहद सलाम जिनके घर में महीनों जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला मरते दम जिनके घर में दिया तक न था उनकी दादो देश का कहूँ हाल क्या सिमोजर के दिए जिस ने दरिया अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कई कई दिन हो जाते थे कई कई दिन हो जाते थे चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती थी खजूर और पानी पर गुजारा होता सैयदा फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दुपट्टे के कोने में आधी रोटी का टुकड़ा बांध के हाजिर होती है अर्ज करती अब्बा हुजूर आप इसको कबूल फरमा लें दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा क्या बात है सैयदा फातिमा अर्ज करती है अब्बा जान हम कई दिनों से भूखे थे हम कई दिनों से फाके से थे हमने कुछ नहीं खाया हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कुछ कमा कर लाए मैंने पांच रोटियां पकाई एक रोटी मैंने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला ने को खिलाई दूसरी रोटी मैंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने को खिलाई तीसरी रोटी मैंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने को खिलाई उसी में एक साइल अल्लाह के नाम पर सवाल करते हुए दरवाजे पर आया बनामे खुदा वो भीख मांग रहा था मुझे रहम आ गया मुझे तरस आ गया चौथी रोटी मैंने उस भीख मांगने वाले को खिला दी पांचवी रोटी मेरे हिस्से की रह गई थी मैं उसे खा रही थी आधी रोटी मैंने खाई अचानक अचानक मुझे आपका ख्याल आ गया कि फातिमा फातिमा तू तो अपने घर में बैठ के रोटी खा रही है पता नहीं तेरे वालिद पर क्या गुजरती होगी हाय हाय मुसलमानों दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी से एक लुकमा तोड़ते हैं अपने मुंह में रखते हैं उसके बाद फरमाते हैं बेटी फातिमा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में तेरे वालिद की जान है आज तीन दिन हो गए आज तीन दिन हो गए तेरे वालिद ने एक लुकमा अपने मुंह में नहीं रखा जिनके घर में महीनों जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला मरते दम जिनके घर में दिया तक न था उनकी दादो देश का कहूँ हाल क्या सिमोजर के दिए जिस ने दरिया बहा कोई महरूम डर से न साइल गया कोई महरूम डर से न साइल गया उस नबी की सखावत उस नबी की
सकावते बेहद सलाम मुस्तफा शान रहमत बेहद सलाम। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी गर्दनों को झुका लें। माए बहनें भी अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी गर्दनों को झुका लें। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को अम्मी अम्मी कहकर पुकारता है, माँ जिधर चेहरा ले जाती है बच्चा उधर जाके माँ को पुकारता है, बच्चा रोया करता है यहाँ तक के माँ अपने रोते बच्चे को सीने से लगा लेती है। आज हम उसके गुनाहगार बंदे, सियाकार बंदे, इकरारी मुजरिम उस रब के सामने आकर बैठे हैं, उस रब को अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारे ताकि वो रब हम गुनाहगारों पर रहम फरमान। मेरी आवाज से अपनी आवाज को मिलाते अल्लाह का जिक्र करें, सबकी जबान पर अल्लाह का नाम। Allahu Allah, 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 La ilaha illallah, 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 illallah,
को बंद ही रखें, गर्दनों को झुकाए रखें, सोचें अल्लाह के सामने बैठा हूं, अल्लाह को देख रहा हूं, और अगर मैं अल्लाह को नहीं देखता, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अपनी खताओं को याद करें, अपने गुनाहों को याद करें, रोने की कोशिश करें, ए अल्लाह आज तक मैंने कैसे कैसे गुनाह किए। मालिक बड़ा मेहरबान है, अफो दरगुजर करने वाला है, छोटी छोटी बातों पर राजी हो जाने वाला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह की मोहब्बत में एक आंसू बहावे, अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दिया करता। तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मैं तेरे सामने, तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मेरे सजदों में तेरी ही हमदोसना, मेरे सजदों में तेरी ही हमदोसना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, मेरी तौबा है तौबा, ए मेरे इला, मुझे गुनहगार को तो न देना सजा। वाकई में अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियो, उस अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, उसका अज़ाब बड़ा सख्त है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज वाली रात में मैंने जहन्नम में जाकर देखा है, इतने बुरे अज़ाब हो रहे थे। प्यारे नबी अलैहि सलाम अपनी आंखों से देख के फरमा रहे हैं, मैंने जहन्नम में जाकर कुछ जहन्नमी मर्दों को, कुछ जहन्नमी औरतों को देखा है, इतना बुरा अज़ाब हो रहा था कि उनकी शर्मगाहें उनकी पेशानियों पर लगी हुई है, और इतना नहीं, उनकी शर्मगाहों से खून और पीप बह रहा था, खून और पीप बह रहा था, और वो जहन्नमी अपने मुंहों से उसको पी रहे थे।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ जिब्राइल ये कौन बदनसीब है, ये कौन बदनसीब है और ये किस नबी के उम्मती हैं जिन्हें इतना बुरा अजाब हो रहा है। जिब्राइल अमी जवाब नहीं दे रहे, गर्दन झुका ली कि उम्मत के लिए आंसू बहाने वाला नबी कैसे बर्दाश्त करेगा। बार बार पूछने पर, बार बार पूछने पर जिब्राइल अभी जवाब दे रहे हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी और नबी के उम्मती नहीं, ये आपके उम्मती है, ये आपके उम्मती है। ओ जिब्राइल, मेरा उम्मती क्या गुनाह करके लाया, क्या बुराइयां कमा के लाया। तो जिब्राइल अमी जवाब दे रहे हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के वो मर्द और आपकी उम्मत की वो औरतें जो दुनिया में जीना किया करते थे, जो दुनिया में जीना किया करते थे और बगैर तौबा के मर चुके हैं, आज अल्लाह उन्हें ये अजाब दे रहा है। मेरी तौबा है तौबा मेरे इला, मुझे गुनाहगार को तो न देना सजा, हम गुनाहगारों को तो न देना सजा, हम गुनाहगारों को तो न देना सजा। मेरी आहों को सुन ले जत मेरी आहों को सुन, मेरी आहों को सुन ले जत मेरा को नहीं अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा। मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, नहीं कोई नहीं हम गुनहगारों का। वाकई में अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, वो अल्लाह हमें माफ न करे तो कौन माफ करने वाला है। मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, नहीं कोई नहीं हम खताकारों का, नहीं कोई नहीं हम सियाहकारों का। बख्श दूंगा मैं, बख्श दूंगा मैं तुझे, ये है वादा तेरा, बख्श दूंगा मैं, बख्श देगा तू बख्श देगा तू हमें, ये है वादा तेरा मेरा को नहीं अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा। दुरूद शरीफ पर।
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ اے بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے اللہ دیکھ آج تیرے سامنے کیسے کیسے عشاق آئے ہیں کیسے کیسے نمازی بندے آئے ہیں اور کیسے کیسے تیری راہ میں بسترے اٹھا کر چلنے والے آ کر بیٹھے ہیں اے اللہ آج تو نوجوانوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں آج ماؤں بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ آج اہل دل علماء اللہ پاک کرام نے ہاتھ پھیلائے ہیں اور میرے اللہ ہمیں یاد آ رہا ہے تیرے قرآن کا وہ اعلان کہ تُو نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے اے لوگو اے لوگو کل جب میدان محشر قائم ہوگا تم سارے کے سارے اس میدان میں جمع ہو جاؤ گے اور اس میدان میں ہم تمہاری زندگی کے ہر نیکی اور برائی کا بدلہ چکانے والے ہیں میرے اللہ تیرا قرآن تو کہتا ہے اے لوگو کل جب اس میدان میں آؤ گے سب سے پہلے تمہارے منہوں کو مہر لگا دی جائے گی تمہارے منہ کو تالا مار دیا جائے گا کیا لے کر دنیا سے آئے آج زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے آج بدن کے اعضاء بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ اور اے مسلمانوں اور اے جوانوں سوچو 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 ذرا اس میدان میں جس اللہ سے ہمیں مغفرت کی امید ہے اور جس اللہ کے سوا کوئی ہم پہ رحم کرنے والا نہیں ہے اسی اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف بولنا شروع کر دے ہمارے پیر ہمارے خلاف بولنا شروع کر دے اور اے یہ آنکھیں اگر کل اس میدان میں اللہ کے سامنے بولنا شروع کر دے کہ اے رب العالمین دنیا سو جاتی تھی اور یہ ننگی تصویریں دیکھا کرتا تھا یہ گندی تصویریں دیکھا کرتا تھا تو اس اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اس اللہ کو کیا جواب دیں گے اے رب کریم اے رب کریم ہمیں یاد قرآن کی یہ آیات اور آج تیرے سامنے آئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہیں اور میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے مجمع کس طرح تڑپ رہا ہے یہ مجمع کس طرح آزاری کر رہا ہے سچ ہے میرے اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا آج تیری یاد میں رو رہا ہے تیری محبت میں رو رہا ہے تیرے نام پہ رو رہا ہے اے میرے اللہ اس طرح ہاتھ پھیلانے والے لوگ اس طرح آہوزاری کرنے والے لوگ اور اس طرح گرم گرم آنسو بہانے والے لوگ یقیناً میرے اللہ کسی ایک کا رونا تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا کسی ایک کی آنکھ سے نکلنے والا گرم آنسو تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا میرے اللہ جس ایک کا رونا تجھے پسند آ رہا ہے اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما مالک ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما مالک ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما اے میرے اللہ اتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلائے ہیں کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے کس غم میں پریشان ہے کس بیماری میں دکھی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے دکھوں کو دور فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما اے میرے اللہ یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے اس بھارت کو امن کا گہوارہ بنا دے سکون کا گہوارہ بنا دے پیار محبت کا گہوارہ بنا دے اے اللہ یہ وہ بھارت ہے جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی
सभी लोग रहते हैं, ऐ अल्लाह इनके दिलों में आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा और बसने वाले तमाम लोगों की ऐ अल्लाह तू पूरी पूरी हिफाजत फरमा, हर एक के साथ अपने खुसूसी फजल का मामला फरमा, आसानियों का मामला फरमा, राहतों का मामला फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, बहुत से घरों में जवान बच्चियां बैठी है, जवान बेटे बैठे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मेरे अल्लाह उन्हें नेक रिश्ते नसीब फरमा, अल्लाह उन्हें नेक रिश्ते नसीब फरमा। अल्लाह जिनकी शादियां हो गई औलाद नहीं हो रही है, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अल्लाह उन्हें नेक औलाद अता फरमा दे। और मालिक जिनको आपने औलाद दे रखी है उनमें ऐ अल्लाह औलाद के गमों से हिफाजत फरमा, औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा, औलाद की बीमारियों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह औलाद को, माँ बाप को, सभी को चैन सुकून अता फरमा, आफियत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इस बच्ची का दो दिन बाद जो निकाह शादी होने वाली है बे इंतहा कबूल फरमा। मालिक इसमें अपनी खुसूसी बरकतें नाजिल फरमा, खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह निकाह की बरकत से दोनों मियाँ बीवी में पुरखलूस मोहब्बतें पैदा फरमा। अजवाज मुतहरात और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो मोहब्बतें थी अल्लाह इन दोनों मियाँ बीवी में पैदा फरमा। ऐ अल्लाह माँ बाप के लिए सबसे बड़ा मरहला होता है अपने कलेजे के टुकड़े को अलविदा करना, रुखसत करना, और ये ऐसा मरहला है कि बाप के सीने बैठ जाया करते हैं, माँ की छाती बैठ जाया करती है। ऐ अल्लाह इनके लिए अपनी बच्ची की रुखसती आसान फरमा, हर एतबार से सहूलतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बच्ची जिस घर में कदम रखे उस घर को खुशियों से मालामाल फरमा, कदम कदम पर ऐ अल्लाह उन्हें खुशियां नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ये हमारा बलसार बड़ा प्यारा शहर है, पुराना शहर है, इस पर अपनी खुसूसी बरकतें नाजिल फरमा, खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा। यहाँ जो हमारे उलमा सुलहा और दावत के काम करने वाले साथी फिक्रें कर रहे हैं, अल्लाह तो इन सब को कबूल फरमा, इनके फिक्रों को कबूल फरमा। मालिक ये हमारी दुआएं हैं, आपके ज़िम्मा कबूल करना है, हमारी इन तमाम दुआओं को महज अपने फजलो करम से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में तमाम सहाबा ताबेईन तबे ताबेईन तमाम औलिया कराम के सदके तुफैल में कलाम मजीद के सदके तुफैल में और मेरे अल्लाह इन हाथ फैलाने वालों में जिनका हाथ फैलाना तुझे पसंद आया और जिनकी आँख से निकला हुआ गर्म आंसू तुझे पसंद आया, मेरे अल्लाह उनके सदके में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين